गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। ये आपकी रीजनिंग की क्लास फिर से शुरू होने जा रही है और हम ये हमारी सेकंड क्लास है और हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं कि अभी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग ही पढ़ रहे हैं, तो उसका अगला पार्ट देखते हैं जो है लेटर परिवर्तन, वो है अक्षर परिवर्तन। ये अक्षर परिवर्तन है। अब इसमें हम देखते हैं कि अक्षर कैसे परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैंने आपको लिखा, मैं आपको यहाँ पे लिख दिया SUNDAY, ये हमारा है संडे, ठीक है। अब ये संडे है और अब इसको देखिएगा, इसका लेटर कैसे परिवर्तित हो जा रहा है। यानी अगर कहा जाए तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया वाई, ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये हो गया एन, ये यू, ये एस। अब आपको ये देखना है कि इसमें लेटर जो है वो कैसे परिवर्तित हो जा रहे हैं। देखिए, अगर हम इसको नंबरिंग करके देखें तो हमारा एक नंबर है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पाँच है, ये छः है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो अगर हम इसमें दो तीन चीज़ें देखते हैं, कहीं ये जो नंबर है वो कौन से प्रोसेस पर काम कर रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, ये चीज़ें हम देखते हैं इसमें। और हम देख रहे हैं कि जो हमारा नंबर है कुछ नहीं हो रहा है, जो हमारा इधर सिक्स नंबर पर था वो इधर हमारा फर्स्ट नंबर पे हो गया, मीन्स ये सिक्स हो गया। जो हमारा फाइव पे था वो यहाँ पे से है, आपका क्या नाम है, जो फाइव पे था इधर किस पे हो गया, सेकंड नंबर पे हो गया है। जो हमारा इधर फोर पे था वो किस पे आ गया है, थर्ड नंबर पे हो गया। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि ये जो आपका लिखा हुआ है संडे, इसको पलट दिया गया है, यानी उल्टा कर दिया गया। अगर हम ऐसे इसको देखना चाहें तो SUNDAY आपको क्या हो जाएगा, संडे। बात हमारी समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि जो ये नंबर हमारा है जो हमने लिखा है, ये चीज़ें ऐसे थी, संडे लिखा हुआ था, फिर उसने क्या किया है कि ये लेटर को उलट दिया है, यानी इसको चेंज कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा ELEPHANT, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ELEPHANT मीन्स एलिफेंट। अब इसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे टी लिख दिया जा रहा है, यहाँ पे एन लिख दिया जा रहा है, यहाँ पे ए लिख दिया जा रहा है, फिर एच लिखा है, फिर पी लिखा गया, फिर ई लिखा गया, फिर एल लिखा गया, फिर ई लिखा गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे एलिफेंट लिखा हुआ था, इसको हमने पूरे को चेंज कर दिया, यानी उलट दिया है, एलिफेंट हो गया है, ठीक है। दोस्तों आप बताइएगा, दोस्तों आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई कमी है तो आप उसके लिए कमेंट भी करिएगा। तो अब हम चलते हैं इसके, ये हमारा सेकंड टाइप है। इसी में एक टाइप और होता है आपका, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसे आपको लिख देता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया है, मान लीजिए यहाँ लिख दिया मंडे, यहाँ क्या लिखा है, मंडे। तो कभी कभी क्या करता है कि ये चीज़ें जो हैं, ये मंडे तो लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे लिख देता है, NOM और DAY को ऐसे ही रहने देता है। यानी कहने का मतलब कि हाफ लेटर, यानी जो आधे अक्षर हैं उनको क्या कर देता है, वो अपोजिट कर देता है, यानी उलट देता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, उसके बाद उलटने के बाद ये हमारा लेटर बन जाता है। आपको ये चीज़ भी देखने को उसमें मिल सकती है। कभी कभी आपको ये भी मिलेगा, जैसे हमने लिखा पीकॉक, PECOCK, ये हमने लिख दिया। तो कभी कभी क्या करेगा, इस पी को ऐसे ही रहने देगा, कॉक को यहाँ चेंज करके KCOC ये भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें दो तीन चीज़ें देखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि उस टाइम हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि लेटर देखेंगे, लेटर नहीं समझ में आ रहा तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमने किया। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा एन है वो किस नंबर पे था, 3 नंबर पे था, लेकिन यहाँ किस नंबर पे आ गया है, पहले नंबर पे आ गया है। ठीक उसी प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ये ओ था वो सेकंड नंबर पे था, तो वो सेकंड पे है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है एन, ये आपका एन जो यानी थर्ड नंबर पे एन था, लेकिन यहाँ पे किस पे आ गया है, फर्स्ट पे आया है। एम आपका फर्स्ट नंबर पे था, अब यहाँ 3 नंबर पे आ गया है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इस हाफ लेटर को क्या किया है, चेंज कर दिया है इसने, उलट दिया है, ठीक है।
तो अब अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये अगर आपको दिखाने के लिए लिखा जाए तो ये 3 नंबर पे था, ये 2 नंबर पे था, ये 1 नंबर पे था। तो इसको क्या किया उसने, उलट दिया है। बाकी लास्ट वाला आपका वैसे का वैसा ही है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, ये चीज़ आप देखिए। और ये तो हो गया अक्षर परिवर्तन। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसी में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको आप प्रैक्टिस जब करिएगा, एग्जाम्पल आपको मिलेंगे तो आपको खुद ही चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि क्या चीज़ें इसमें कैसे हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही हैं, ये आपको दिख जाएगा। फिर कभी कभी ये चीज़ें हो गई, कभी कभी आपको क्या करता है कि जिसे पूछ लेता है कि इसमें लेटर क्या है, मतलब कि कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है। जैसे अगर यहाँ दे दिया ए, अगर ए में हम +2 कर दें तो हमारा कौन सा लेटर आ जाएगा। यहाँ ए है, आपको पता है ए की जो पोजीशन है वो 1 है, जो प्लेस वैल्यू है उसकी 1 है, और यहाँ पे 2 अलग से दिया हुआ है। अगर आप इन चीज़ों को ऐड करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। जी हाँ, जब ये 3 हो जाएगा तो आपको पता है कि 3 प्लेस वैल्यू किसकी है, सी की। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए में हम 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा सी आ जाएगा, ठीक है। हमें उस टाइम जो नंबर मिलेगा वो सी मिलेगा, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप ये समझ रहे हैं। कभी कभी आपको ये भी कर सकता है कि मान लीजिए ये आपको दे दिया है टी और प्लस कर दिया है 6, तो आपको बताना है कितना हो जाएगा। आपको पता है टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20, और ये आपको 6 दिया ही है तो कितना हो जाएगा, 26। और 26 का मतलब क्या होता है, 26 का मतलब होता है कि जेड। 26 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, जेड की तो होती है, ये देखिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा। और आपको ये चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो आप अच्छी बात है, बताइएगा हमें कमेंट के जरिए। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो ये चीज़ें हो गई। इसमें एक दो चीज़ें और हैं टाइप, जैसे कि आपको मान लीजिए यहाँ पे दे दिया उसने एस, एस मीन्स होता है 18। एस की प्लेस वैल्यू आप देखेंगे तो एस का मतलब होता है आपका 17, ठीक है, ये 19। अब आपको ये कह रहा है कि यहाँ पे एस है, अगर इसमें इसने क्या किया, 9 को सबट्रैक्ट कर दिया। अब आप 19 में अगर आप 9 सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपको 10 बचेगा। अब जब आपका ये 10 बचेगा तो 10 का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा 10 का मतलब होता है जे, कितना होता है जे। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे हो रहा है, कभी प्लस में आएगा कभी माइनस में आएगा, तो वो चीज़ें आप समझ लेंगे। और भी हो सकता है इस एग्जांपल, जैसे मान लिया यहाँ पे दे दिया उसने, मान लीजिए एच दे दिया, एच का मतलब 8 होता है, उसने इसमें 10 माइनस करने के लिए कर दिया, तो अब देखिए इसमें समस्या हो जाएगी। अब यहाँ 8 में से तो 10 जाएगा नहीं, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 8 था तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब हमारा 8 था, यहाँ पे 8 है, अब इसमें आएगा कैसे ये आप समझिएगा, हमें -10 करना है। तो अगर 8 में -10 करेंगे तो मींस अगर 10 में से हम 8 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, लेकिन आपको पता होगा अगर आप पढ़े होंगे तो यहाँ -2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये 8 है आपका, आपको 10 सबट्रैक्ट करना है, तो बस 8 को लेके 10 घटाइए, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8, और ये 9, और ये 10। हाँ, तो हम आपको ये कह रहे थे कि ये जो है अब आपका 8 था, 8 में से तो 10 जाएगा नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, बस आपको ये याद रखना है कि 8 हमारा किस स्थान पे आता है, तो 8 एच के लिए आता है, तो अब इसमें से हम 10 माइनस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये करेंगे कि 8 से मतलब 8 जो है हमारा उसमें 10 घटाना है, हमें 10 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गया, लेकिन अभी 2 और करना है, तो 2 और करने के लिए क्या करेंगे, 1 यहाँ से करेंगे और 1 यहाँ से, क्योंकि 1 के बाद जेड ही तो आता है, आपको पता ही होगा 1 के बाद जेड आ जाएगा तो जेड यहाँ हो जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं आपको थोड़ा सा हाई लेवल का है, लेकिन ये चीज़ें आती हैं, ये पूछी जाती हैं आपकी, थोड़ा सा पैटर्न अब चेंज हो गए हैं
तो आप थोड़ा सा इन चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जेड हो जाएगा 9 और वाई हो जाएगा 10। तो कहने का मतलब जो अगर आप एच में से 10 माइनस करेंगे तो उस टाइम आपका आएगा वाई, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो आप हमें बताइए। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट करिए, ठीक है। कमियां हैं, आप डिसलाइक भी करिए बट कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, ठीक है। अगर आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें बताइएगा ज़रूर, ठीक है।